में खुश हमेशा हम कैसे रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, कई बार लोग ये पूछते हैं कि लाइफ में इतने सारे चेंजेस आते हैं, इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, उन सब में भी हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनोखा टॉपिक जो शायद हम सभी जानना चाहते हैं, है ना, कि हर एक सिचुएशन में हम अपने आप को खुश और फुल ऑफ एनर्जी कैसे रखें। तो दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता है कि बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं जो हमने प्रिडिक्ट नहीं किए होते, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो मेरा सजेशन ऐसे सिचुएशंस के लिए हम चार पॉइंट्स में समझेंगे। फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस। कुछ भी ऐसा लाइफ में हो जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप है उसको एक्सेप्ट कीजिए। बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप हमेशा यही क्वेश्चन में घूमते रहेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान मैंने क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। दूसरा है अवेयरनेस। खुद को अवेयरनेस में लाइए कि ये प्रॉब्लम है या ये सिचुएशन है जो कहीं से ऐसे आ गई है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। अवेयर योरसेल्फ, वो सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड सिंपल पॉइंट इज लर्निंग। यस दोस्तों, मोस्ट ऑफ अस मिस दिस पॉइंट। व्हाट इज द लर्निंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। से फॉर एग्जांपल, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया तो व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टीच यू इन लाइफ। कोई बहुत ही प्यारा हमारा रिलेटिव या हमारा दोस्त हमारी लाइफ से अचानक चला गया, तो व्हाट इज़ द सिचुएशन ट्राइंग टू टेल अस, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट एंड हाउ यू कैन मूव ऑन। कैसी ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हम इसमें से आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ द लर्निंग पॉइंट। दैट इज़ द लर्निंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज़ प्रोग्रेस। जब आप ये तीनों चीज़ें समझ जाएंगे दोस्तों, तो फोर्थ पॉइंट आपके लिए होगा प्रोग्रेस। क्योंकि आप लाइफ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके, अवेयर होके, लर्निंग लेके जब सीख लेंगे, तब आप रेडी होगे आगे मूव ऑन करने के लिए, राइट। एंड दिस ऑल थिंग्स विल डेफिनेटली मेक यू हैप्पी। सो कीप इट अप, कीप योर लर्निंग, एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज, एक्सेप्ट इट विथ फुल अवेयरनेस, फील द लर्निंग एंड देन keep progressing, stay blessed.